नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। लॉकडाउन का 11वां दिन आज थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जनता के खाते में 500 से लेकर 1000 रुपए तक लोगों के खाते में आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा आज आपके लिए 11वें दिन का लॉकडाउन की स्थिति लेके आया हूँ कि हापुड़ में क्या हाल चल रहा है। तो हापुड़ में आज हमें लोगों की भीड़ तो देखने को मिल रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी के अकाउंट में 500 से लेकर 1000 रुपये डाले हैं, तो उन लोगों की, लेडीज़ों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहाँ तक देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी आपका पूरा अलर्ट है और सभी से पूछताछ करके ही भेज रहा है। किसी को आवश्यक काम है तो तभी जाने दे रहा है, वरना किसी कोई बिना बात के टहल रहा है, घूम रहा है, तो उसको कड़े तरीके से लेकर उनके घर भेज रहा है। आप देख सकते हैं कि सबसे रोक के पूछताछ करी जा रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि कुछ लोग झूठा बहाना बना रहे हैं, कोई दवाई का बहाना बना रहा है, कोई किसी चीज़ का बहाना बना रहा है, कोई एक्सरे करा के आ रहा है, मगर अपनी हरकतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार अपील कर रहे हैं, कल भी अपील की है, उसका कोई असर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिनको लेकर लोग बाग आज अपना अकाउंट चेक कराने बैंकों में गए, इसी वजह से आज लॉकडाउन के 11वें दिन सड़कों पर थोड़ी चहल पहल रही। यातायात विभाग से हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने बात की तो उन्होंने बताया कि जनता बिना वजह घर से निकलकर सड़कों पर घूम रही है। हम लोग उनको रोक कर पूछते हैं तो केवल दो बहाने सुनने को मिलते हैं, या तो दवाई को लेकर या फिर बैंक जाना है। जैसे कि घर से निकल रही है, किन कारणों से निकल रही है घर? ज़्यादातर बैंक वाले, डॉक्टर हैं और पुलिस से संबंधित लोग, कोई लोग। तो इन लोगों को आप समझा नहीं रहे जो लोग बिना बात की टहल रहे हैं? नहीं नहीं, टोक रहे हैं उनके लिए, वैसे उनके लिए उसमें वापस भी कर रहे हैं, और जो काम वाले उनके लिए। तो जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और ये घूमने फिरने टहलने के लिए लोग बाग निकल रहे हैं, तो इन लोगों पर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई टोक रहे हैं उनके लिए, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके लिए उसमें वापस कर रहे हैं। चालान वगैरह भी कट रहे हैं कुछ? हाँ, चालान भी चल रहे हैं। तो जैसा आपने देखा, अभी यातायात विभाग भी पूरी तरह सतर्क है और बता रहा है कि उनको प्यार से भी समझा के घर भेज रहे हैं, वो तब भी नहीं समझ पा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। बताऊं क्या है? जब 10 बजे बंद हो जाता है तो मुझे बंद का आदेश को तो पालन करो। कर्फ्यू के टाइम पर तो घर रह लो, दवाई जो 10 बजे से पहले पहले ले लो, जो भी खरीदना 10 से पहले पहले खरीद लो, उसके बाद कर रहा हूँ। आपने कुछ भी नहीं यूज किया हुआ? नहीं, आपने मास्क लगाया हुआ है? जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो या तो अस्पताल का बहाना बना रहे हैं या फिर बैंक का बहाना बना रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बाबू जी, आप इस लॉकडाउन के दौरान आप कहाँ जा रहे हैं घर से? किस चीज की ड्यूटी में आप? अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, आप कहाँ पर घूम रहे हैं घर से? किस चीज का ड्यूटी में?
कलेक्ट्रेट, तो आप अपना पास डालिए यहाँ पर दिखाइए जैसे कि पुलिसकर्मी भी परेशान ना हो। तो कुल मिलाकर बहाने चल रहे हैं ज्यादातर आम पब्लिक के, और ये देखने को मिल रहा है या तो बैंक का काम बता रहे हैं या फिर डॉक्टर का। उन्होंने बताया कि जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते हैं इस तरह के लोगों को हम वापस भेजते हैं या फिर चालान भी करते हैं। अभी हम अम्बेडकर चौराहे पर हैं जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि लोकबाग आज 11वें दिन के लॉकडाउन में अनुशासन और लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोकबाग अपने घर से निकलना ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कार बाइक स्कूटर वगैरह सड़क पर काफ़ी चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन का भी इनको खौफ नहीं है। अभी जैसा कि पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्कता बरते हुए है तो पुलिस प्रशासन का भी इनको खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी भी रोज़ अपील कर रहे हैं और शासन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, मगर फिर भी लोग बागों के पास एक या दो बहाने के साथ चल रहे हैं, या तो डॉक्टर के जाना है या फिर बैंक जाना है। पुलिस प्रशासन भी और सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस इसका सॉरी बैंक का टाइम भी 7 से 10 होना चाहिए जिससे कि इन लोगों को बहाना ना मिले। अभी लॉकडाउन के दौरान हम जसरूप नगर में एक फैमिली के साथ हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आप लॉकडाउन के दौरान कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टीवी देखकर और क्या कहते हैं हम सोकर और गेम वगैरह खिला के बच्चों के साथ। तो जैसा कि 21 दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है ये, तो इसमें आप घर से बाहर निकलने का भी मन करता होगा आपका या कहीं जाने आने का मन करता होगा, तो तब कैसे आप करते हैं? मन तो करता है लेकिन क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे तो अपने ऊपर ही खतरा है इस चीज के लिए। तो जैसे मान लीजिए लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो आप इसका पूर्ण समर्थन करेंगे? जी पूरा करेंगे क्योंकि हमको ही फायदा है। अभी कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वो अपील की थी कि आपको 9 बजे 5 तारीख में संडे को अपने दिए दीपक या कैंडल वगैरह चलाएंगे टॉर्च चलाएंगे, तो उसमें आप कितना सहयोग करेंगे? पूरा फुल सहयोग करेंगे, जो उन्होंने बोला उस पर अमल करेंगे, दिए कैंडल जो भी हमसे हुआ हम वही करेंगे जलाएंगे उन्हें। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापड़ जग के साथ।